हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार अजय माय यूट्यूब चैनल पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स में आप सभी का स्वागत है। मैं पहले हिंदी में क से ज्ञ तक, अ से अ तक, आकार से विसर्ग तक बताए हुए सभी अक्षर मात्राएं को मिले शब्दों को लेकर देख मतलब दिखाते हुए आप सबों को चुलबुली कहानी के माध्यम से एक और कहानी उसी के अंदर में जो है उसका नाम है साहसी किसान, उसको हम लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक सब्सक्राइब मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो फ्रेंड्स भूलिएगा नहीं। तो चलिए अब पढ़ते हैं चुलबुली कहानी। पाठ्य पुस्तक का नाम है चुलबुली कहानी, है ना। उसी के अंदर में साहसी किसान, साहसी किसान की कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू हुआ। एक किसान था। क्या था जी? एक किसान था, वह बहुत मेहनती था। कौन? किसान। किसान बहुत मेहनती था। आगे देखिए, एक बार उसके इलाके में सूखा पड़ा। किसके? उसी के इलाके में, किसान के इलाके में। चलिए, वह बहुत दुखी हुआ। कौन? किसान बहुत दुखी हुआ। चलिए आगे देखते हैं क्या होने जा रहा है। वह सूखा पड़ने पर भी खेत में काम करता रहा। बताइए क्या मजबूरी है, सूखा में भी काम किए फिर भी उसने अपना साहस नहीं छोड़ा। देखिए रोमांच आने वाला है। फिर भी उसने अपना साहस नहीं छोड़ा। इसके काम को देखकर बादल ने किसान से पूछा। कौन? बादल ने पूछा है किसान से, तुम बारिश के अभाव में भी काम क्यों कर रहे हो? सुन लीजिए ना, सुन लिए है ना आप क्या कह रहा है। किसान ने कहा, मैं काम इसलिए कर रहा हूं कि, देखिए दिमाग की बात होने वाला है यहाँ पे, ताकि काम करना भूल ना जाऊं। वाह जी वाह, क्या बात है, है ना, ताकि काम करना भूल ना जाऊं। यह सुनकर बादल भी बरसने लगा। क्या हुआ जी? बादल भी बरसने लगा। मजा आ गया जी, ताकि वह भी काम करना भूल ना जाए। वाह जी वाह, हिला दिए जी आप, बहुत अच्छा जी। किसान भाई, इसलिए हम भी बार बार पढ़ें ताकि पढ़ना भूल ना जाए। वाह, इसलिए हम भी बार बार पढ़ें ताकि पढ़ना भूल ना जाए। तब मेरे दोस्त, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि, आप तो बहुत अच्छे समझ ही गए होंगे कि हमें हमेशा अपने कोई भी कार्य को करते रहना ही चाहिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, बेल का घंटा बजा दें, है ना, और शेयर कर दें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।